दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज की फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ हैं। तो सबसे पहले मार्केट की बात करें, उसके बाद इकोनॉमी और उसके बाद कुछ फाइनेंशियल न्यूज़ की हम बातें करेंगे और सुबह से शाम तक क्या हुआ उसको एक समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट में सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 1265 पॉइंट ऊँचा रहा, निफ्टी 363 पॉइंट ऊँचा रहा। अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि क्या रीज़न है। इकोनॉमी बहुत अच्छे शेप में नहीं है, मार्केट फिर भी रैली बनाए जा रही है। अब ये कहना मुश्किल है कि ये रैली कब तक रहेगी और कब तक टिकेगी। मैं बार बार कहता हूँ ये एक वोलाटाइल मार्केट है और कहना मुश्किल है कि ये कैसे आगे जा रहा है, रीज़न क्या है, ये तो बहुत ही मुश्किल है कि इसको प्रिडिक्ट कर पाना और आज के टाइम में रिस्क लेना। तो मैं उन जो भी लोग हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मार्केट से दूरी बना के रखें, ऐसा ना हो कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा जा रहा है कि इंडिया में जो वर्कर हैं लगभग 400 मिलियन वर्कर हो सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाए। जो अभी लॉकडाउन हुआ है और जिस वजह से माइग्रेशन हुआ है वहाँ पे ये अजम्पशन लगाया जा रहा है कि थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं और लगभग 400 मिलियन के आसपास के लोग उस रेंज में जा सकते हैं। इसी बीच में जो फार्मा की कंपनी है, ई फार्मा कंपनी, उनकी तो बल्ले बल्ले है। उन्हें वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कि देखा जा रहा है भारी उछाल। तो ई फार्मा और फार्मेसी से रिलेटेड जो कंपनी है जो ऑनलाइन अपना प्रेजेंस बना के रखी है, उनके बिज़नेस को काफ़ी अभी ग्रोथ मिल रहा है। खैर, इसी बीच में KPMG ने कहा है कि अच्छी बात है कि अभी तक जो और भी ऑर्गेनाइजेशन थे उनकी प्रोडिक्शन अलग है, बट KPMG का कहना है कि इंडिया का ग्रोथ अब 3% के नीचे रहेगा। फिर भी ठीक है, कल तक जो बातें थी कुछ और एजेंसी है जो कि कह रही कि 1% रहेगा, उससे तो फार बेटर है। मेरा मानना है कि लगभग इंडियन इकोनॉमी 2.5 से 3% रहना चाहिए, इतना कुछ होने के बाद भी ग्लोबल इकोनॉमी 1% के आसपास रहेगा, ये UN का कहना है। खैर, ओयो की अब बात करें, ओयो ने अभी तक अमेरिका में ही अपने जो उनके एम्प्लॉय थे उनको पिंक स्लिप दिया था। इंडिया में तो पिंक स्लिप अभी तक नहीं दिया, लेकिन एक तरह का कह सकते हैं कि ओयो ने कहा है कि आप अब घर रहें बिना सैलरी लिए और हम आपको बताएंगे फिर कब ज्वाइन करना है, क्योंकि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जो होटल इंडस्ट्री है, वो बहुत बुरी तरह से पिटी हुई है अभी। तो अगर उस हिसाब से बात करें तो ये ओयो के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग टाइम है और ओयो भी देख रहा है कि इसे कैसे जूझ के निकला जाए। इधर उड़ीसा ने अपने लॉकडाउन को, पहला स्टेट है जिसने अपने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है और काफ़ी आगे तक लेके गया। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप और भी बहुत ऐसे शहर सुनेंगे जहाँ पर लॉकडाउन की बातों को की जा रही है और आगे बढ़ाया जाए। इधर अगर मिंट की रिपोर्ट की बात माने तो वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि PM मोदी ने भी एक तरह से इंटरनली हिंट दे दिया है कि हमें लॉकडाउन बढ़ाने पे सोचना चाहिए और ज़रूरत भी है। खैर, बाकी जो होगा वो तो देखेंगे। इधर एक चीज़ अच्छी बात है कि COVID-19 की वजह से जो डब्बा ट्रेडर्स थे उनकी दुकान बंद हो गई है। तो इस आप कह सकते हैं इस लॉकडाउन की वजह से इलीगल जो मार्केटिंग और इलीगल जो ट्रेडिंग थी, डब्बा ट्रेडिंग, वो पूरी तरह से बंद हो गया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि डब्बा ट्रेडिंग होता है क्या है। मैं उसके बहुत अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, बट डब्बा ट्रेडिंग बंद है तो अच्छी बात है, मार्केट में ये एक पॉजिटिव बात है। इधर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि वो UK गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा, जो भी एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा होगा COVID-19 से लड़ने के लिए वो गवर्नमेंट को फंड करेगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वहाँ का, वो अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहा है कि जो भी लिक्विडिटी की ज़रूरत है इस समय हम आपकी मदद कर सकते हैं। इधर IT कंपनियों में देखा जा रहा है कि जो उनके कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, वो दो चीज़ों पर अड़े हुए, एक तो आप डिस्काउंट दीजिए, दूसरा पेमेंट को डिफर करिए, क्योंकि अभी जो सिनारियो है आगे से पेमेंट नहीं आ पा रही, वो चैलेंजेस हैं, पेमेंट की प्रॉब्लम है, वो भी चैलेंजेस हैं। तो अभी उनको आप कह सकते हैं कैश क्राइसिस से जूझ रहे हैं, उसके कारण से भी ये देखा जा रहा है कि बहुत IT कंपनी पिंक स्लिप भी देना स्टार्ट कर चुकी है। इधर होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने कहा है कि अभी BS4 के जितने भी अनसोल्ड स्टॉक दिल्ली NCR में हैं वो सब वो बाईबैक कर लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि BS4 पे लॉकडाउन हो चुका है, उस पर भी एक तरह का लॉकडाउन है कि अब आप बेच नहीं सकते। तो इधर उन्होंने कहा है कि जो भी माल बचा है वो उसको बाईबैक कर लेंगे। तो डीलर्स के लिए आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि डीलर काफ़ी परेशान थे। इधर ट्रंप के अलग अलग आपने तेवर देख ही रहे होंगे कि ट्रंप अपने तेवर के लिए जाने जाते, तो 2 दिन पहले तक इंडिया के लिए वो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन आज सुबह में इंडिया के लिए ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर
हमारे लीडर की तरह हैं और हमारी दोस्ती को कायम रखते हैं, और जो दवाई पे बैन लगाया था वो दवाई पे बैन हटा दिया गया हो तो उसका स्वागत करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये दोस्ती बहुत बुरे टाइम में जब इस तरह का दोस्ती की ज़रूरत होती है तो उस समय दोस्ती दोस्त के काम आता है। तो बहुत तरह की ऐसी बातें की है जो कि आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है ट्रंप, तो ये दोनों रेयर कॉम्बिनेशन है। तो वो चीज़ों को समझते हैं और चीज़ों को समझने के हिसाब से अपना प्रिडिक्शन और अपने ट्वीट करते रहते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है, जब आप उनके फेवर में होंगे तो फेवर के ट्वीट होंगे, जब आप उसके अगेंस्ट में होंगे तो आपको गालियाँ देते हुए भी नहीं चुकेंगे। खैर, आज के लिए इतना ही, फिर से हम कल सुबह में फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ हम एप्पल स्टोर, गूगल स्टोर सब जगह अवेलेबल हैं, OTT के सारे प्लेटफॉर्म पे आप कहीं से भी आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।